हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वचन पत्र किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। दोस्तों कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, ठीक है, और हमारे माननीय सीएम जी ने आश्वासन भी दिया है कि अतिथि शिक्षक को हम नियमित करेंगे। लेकिन दोस्तों कब तक करेंगे आप देखना। दोस्तों दिसंबर का भी महीना कंप्लीट हो चुका है, जनवरी भी कंप्लीट हो चुकी है, महीना चल रहा है दोस्तों फरवरी। आखिर सरकार ने वादा किया था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, दोस्तों कब तक करेंगे उसको लेके हमारे अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी ने जगह जगह इसके ज्ञापन दिए कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सचिव और पूरी टीम ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को अपना ज्ञापन दिया, उनसे मांग की कि हमें अतिथि की नियमित नियुक्ति दी जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने अपना वादा किया था, हम अपना वादा पूरा करेंगे, आपको अतिथि की दोस्तों नियमित नियुक्ति दे दी जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। दोस्तों इसी रिपोर्ट को आगे में सिलसिला जारी रखता हूं दोस्तों, जिसकी मेरे पास कल न्यूज आई है कि अतिथि शिक्षक संघ ने उमरिया में ज्ञापन दिया, अतिथि शिक्षकों ने उमरिया में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एक ही बात रखी गई कि अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके जीवन के साथ ऐसी दयनीय स्थिति बन चुकी है कि उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है। तो मैं अपने स्कूल शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से उम्मीद करता हूं कि अतिथि शिक्षकों को अतिथि की नियमित नियुक्ति दें। दोस्तों अब ले चलेंगे वीडियो के ऊपर कि आज की वीडियो में क्या है दोस्तों खास आपके लिए। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद दोस्तों घंटी दबा दें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के ऊपर दोस्तों, और वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक अतिथि शिक्षक के पास ये हमारा मैसेज पहुंच जाए, वो लोग नर्वस ना हो। तो हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नियमित नियुक्ति दोस्तों दिलवा के रहेंगे, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों अब ले चलेंगे हम आपको वीडियो के ऊपर कि वीडियो में क्या है खास आज आपके लिए। दोस्तों पूरा वीडियो आप सभी लोग पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों ठीक है अब ले चलेंगे हम आपको वीडियो के ऊपर। ओके दोस्तों हमारे पास न्यूज आई है उमरिया से, इसमें क्या है दोस्तों खास कुछ हम आपको पढ़ के दोस्तों सुनाएंगे, ठीक है, तो आप लोग न्यूज को पूरा देखें। उमरिया नई दुनिया प्रतिनिधि नई दुनिया पेपर की दोस्तों कटिंग है आपके लिए। दोस्तों अतिथि शिक्षक संगठन उमरिया के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में जिले में कार्यरत सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार बाधवगढ़ को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकार बनते ही हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था, जिसे उसे तत्काल पूरा करना चाहिए। साथ ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा चल रही है, इसको रद्द करने की भी मांग करते हुए सख्त लहजे में कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे जल्द ही राजधानी में उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इस दौरान अतिथि जिला अध्यक्ष मोहन सिंह, ओपी पटेल, राकेश दाहिया, ज्ञानी चौधरी, ममता कौल, माया सिंह, विजय पटेल आदि सहित कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। दोस्तों इस वीडियो का सारांश यही है कि अतिथि शिक्षकों ने तहसीलदार को अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एक ही मांग रखी गई कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था, और जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है उसको स्थगित किया जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट इमेज में क्या आपके लिए खास दोस्तों, हम वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अतिथि शिक्षक बहुत ही जल्दी नियमित हो जाएं। अगली न्यूज मेरे पास आई है पान सेमल से दोस्तों, अतिथि शिक्षक संघ द्वारा गृह मंत्री बाला बच्चन को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन दिया गया। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सरकार का पूरा ध्यान है, जल्द आपको नियमित किया जाएगा, आप परीक्षा दें।
शेष पदों पर अतिथि शिक्षकों नियमित करने पर विचार चल रहा है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष रोहित उपाध्याय, प्रकाश सोनबड़े, जिला मीडिया प्रभारी धनराज पटेल आदि मौजूद रहे। दोस्तों यहाँ से हमें ऐसी न्यूज दोस्तों सुनने को मिल रही है कि आप लोग एग्जाम दे अच्छे से, और इसके बाद जो सीटें बचती हैं हम उन पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देंगे। उन्होंने ये कहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण को लेके हमें इस बात का संज्ञान में है, हम बहुत ही जल्दी अपना वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार भी चाहती है कि हम अपना वादा पूरा करें। हम युवाओं और जो शिक्षित बेरोजगार हैं इनको दोस्तों कांग्रेस है ना, इनको खुश करना चाहती है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में बहुत सारी वैकेंसी निकाले, और इसके अलावा दोस्तों शिक्षक भर्ती वर्ग एक की परीक्षा स्थगित नहीं हो सकती, दो के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अतिथि शिक्षकों के बारे में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग एक्टिविटी बनाए रखें अपने जिला में, जिले के कार्यालयों में दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों महीने में एक या दो बार आप लोग भोपाल में ज़रूर CM साहब से मिला करें दोस्तों, तो आपकी नियमित सुनवाई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। और दोस्तों ये हमारी अतिथि शिक्षक की विशेष क्लिप थी जो मैंने आपके लिए तैयार की है। दोस्तों अगर आपने पहली बार हमारी चैनल पर वीडियो देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक में दोस्तों, नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।